ओके देन, तो आज का टॉपिक थोड़ा सा लंबा होगा और इम्पोर्टेंट भी है। तो ये टॉपिक IBO1 से रिलेटेड, आई एम सॉरी MCO1 से रिलेटेड है। IBO1 के ऊपर मैं काम कर रहा था एक्चुअली, तो IBO1 मुंह से निकल गया। MCO1 से रिलेटेड है, ठीक है ना, और ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड बिहेवियर। एंड काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। प्रिंसिपल्स क्या क्या है मैनेजमेंट के, ठीक है। हाउ आर मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन डिफर फ्रॉम टिपिकल क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिस ऑफ वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या होते हैं, और अभी के टाइम में जो मॉडर्न जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लोग किस तरीके से प्रिंसिपल्स, अपने प्रिंसिपल्स का यूज कर रहे हैं, एंड जो जो एग्जिस्टिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग किस तरीके से करते थे, दोनों में क्या डिफरेंस है एक तरीके से, वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इन टर्म्स ऑफ वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यस ओके गाइस, नाउ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर फंडामेंटल गाइडलाइंस एंड कॉन्सेप्ट्स दैट सर्व एज अ फाउंडेशन फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो जैसे कि घर चलाने के लिए एक प्रॉपर मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है, वैसे ही बिजनेस को चलाने के लिए भी एक मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ मैनेज कर रहे हैं कि भाई तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे नहीं करोगे, तुम ऐसे करोगे, वो नहीं है। यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ एथिक्स हैं, कुछ मोरल्स हैं, जिनको यूज में लाना है जब आप बिजनेस मैनेजमेंट कर रहे हैं, जब आप बिजनेस को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस के ग्रो करने के लिए। अगर इन सारे प्रिंसिपल्स को ठीक तरीके से बिजनेस में यूज किया जाए तो बिजनेस काफी बड़ा हो सकता है, ठीक है ना। वही बात यहाँ पे बोली गई है कि एक फंडामेंटल गाइडलाइंस है। अब देखो, हर बिजनेस का डिफरेंट काम करने का तरीका होता है, उनके मैनेजमेंट अप्रोच भी डिफरेंट हो सकते हैं, बट जो भी हम लोग करने वाले हैं ये फंडामेंटल है, मतलब ये होना ही चाहिए, फंडामेंटल गाइडलाइंस है जो कि होने चाहिए। एंड दीज आर द कॉन्सेप्ट दैट सर्व एज अ फाउंडेशन फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। अगर आपके बिजनेस में आपको इफेक्टिव मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस करनी है तो ये सारी चीजें, ये सारे प्रिंसिपल्स आपको फॉलो कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। व्हाइल देयर आर वेरियस प्रिंसिपल्स प्रपोज्ड बाय डिफरेंट मैनेजमेंट थिंकर्स, हेयर आर सम कॉमनली रिकॉग्नाइज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे कॉमनली रिकॉग्नाइज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हम लोग करेंगे। सबसे पहला है डिवीजन ऑफ वर्क, काफी इंपॉर्टेंट है डिवीजन ऑफ वर्क करना, काम को बांट देना लोगों में। जैसे कि अभी के टाइम पे देखा जाता है कि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स क्या है कि वो सारा काम खुद ही से कर रहे हैं, उनके पास इम्प्लॉयज हैं, लेकिन वो इम्प्लॉयज को उन लोगों ने उस तरीके से ट्रेन करके नहीं रखा हुआ है कि वो लोग अपने काम को ठीक तरीके से कर पाए। हर चीज के लिए वो लोग बार बार बॉस के पास आ जाएंगे पूछने के लिए। तो इससे क्या होगा कि आप जो काम कर रहे हो वो काम आप ठीक तरीके से नहीं कर पाओगे, आपका जो काम का स्पेस है वो स्लो होता जाएगा। सो डिवीजन ऑफ वर्क करना जरूरी है। और इसमें एक और पॉइंट अगर जोड़ दिया जाए तो ये भी होता है कि डिवीजन ऑफ वर्क आप उसके जिसके जिसको आप जो काम दे रहे हैं उसके जो उसका एक्सपीरियंस है, जो उसका काम करने का एक्सपीरियंस है, वो जिस चीज में काम कर चुका है, आप उसको काम भी उसी तरह का देंगे। अगर मेरा मेरा कमांड अगर मार्केटिंग के ऊपर ज्यादा है तो आप अगर मुझे डिस्ट्रीब्यूशन वाले डिपार्टमेंट में डाल देंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले डिपार्टमेंट में डाल देंगे, तो हो सकता है कि मेरा एफिशिएंसी उतना अच्छा ना निकले। हो सकता है कि मार्केटिंग में मेरा जो एफिशिएंसी है वो 70-80% हो और डिस्ट्रीब्यूशन में मेरा 20-30% पे आकर के, तो जो बेहतर इंप्लॉई है वो भी खराब हो जाएगा। तो आपको डिवीजन ऑफ वर्क करना है अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक स्किल्स दैट दैट अ वर्कर हैज, ठीक है। एक वर्कर के पास जो स्पेसिफिक स्किल होगा, जो नॉलेज होगा, इंटेलिजेंस होगा, जो उसकी एक्सपर्टीज होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको डिवीजन ऑफ वर्क करना है, ये बात यहाँ पे बोली गई है, ठीक है। सो असाइनिंग टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन देयर स्पेशलाइज्ड स्किल्स, उसके स्पेशलाइज्ड स्किल्स के अकॉर्डिंग, उसके एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग आपको जो है काम को बांटना है, जिससे आपका जो काम है वो बहुत ही इफिशियंटली और प्रोडक्टिविटी आपको नजर आएगी कि जो काम है वो तुरंत हो गया। अब आप किसी ऐसे बंदे को वो काम दे दोगे जो उसने कभी पहले किया ही नहीं है, तो डेफिनेटली उसको उस काम को करने में टाइम लगेगा, राइट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिवाइड द वर्क एंड दैट टू ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेशलाइज्ड स्किल्स दैट अ पर्सन पोजेस, दैट अ वर्कर पोजेस, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है यूनिटी ऑफ कमांड, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है।
जो हमारा बॉस रहेगा ना, उसका जो कमांड रहेगा, जो उसका डिसीजन रहेगा, वही सबको फॉलो करना है। यूनिटी ऑफ कमांड होना जरूरी है। अगर ऊपर से कोई कमांड दिया गया है, कुछ अगर कहा जा रहा है कि आपको ऐसे करना है, तो वही कमांड लोअर लेवल तक भी पहुंचना चाहिए और वो लोग भी उसी काम को करने चाहिए। ठीक है, इंश्योरिंग दैट ईच एम्प्लॉय रिसीव्स इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडेंस फ्रॉम ओनली वन सुपरवाइजर। ठीक है, 10 लोगों की एक टीम है, उसका एक सुपरवाइजर है। ठीक है, तो वहां पे काम बहुत आसानी से होगा, लेकिन 10 लोगों का टीम है, वहां 2-3 सुपरवाइजर है, तो काम करने में दिक्कत होगी, क्योंकि एक बंदा कुछ कहेगा, दूसरा बंदा कुछ कहेगा, तीसरा बंदा कुछ कहेगा। तो यूनिटी ऑफ कमांड यहाँ पे नजर नहीं आएगी, यूनिटी ऑफ कमांड नहीं रहेगा, जिसके कारण से बिजनेस में जो काम है वो स्लो हो जाएगा, है ना। वो कहेंगे आप उनसे पूछ लो, वो कहेंगे आप उनसे पूछ लो, है ना। इस तरीके से चीजें हो जाती हैं। वही बात यहाँ पे बोली यस गई है, इंश्योरिंग दैट ईच एम्प्लॉय रिसीव इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडेंस फ्रॉम वन सुपरवाइजर टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्टिंग डायरेक्टिव्स, है ना। जो कॉन्फ्लिक्टिंग डायरेक्टिव्स होते हैं, एक बंदे ने कहा कि तुम ऐसे करो, दूसरा बंदा कह रहा है ऐसे करो, तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया, तो उसमें प्रॉब्लम जो है हो जाती है। लेकिन यूनिटी ऑफ कमांड अगर रहेगा तो वो प्रॉब्लम नहीं होगा। तीसरा पॉइंट है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, मैं हमेशा यूज करता हूँ, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पाइडरमैन, राइट। तो अगर आपके पास पावर यस ज्यादा है, अथॉरिटी ज्यादा है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही होगी। जिसके पास जितनी पावर एग्जैक्टली होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही होती है। तो आप जब किसी यस मैनेजर को, किसी बंदे को जब आप अथॉरिटी प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाएगी, है ना। और ये प्रोवाइड करना जरूरी है। अगर आप सारे काम खुद से करेंगे तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर पाएगा। आपको अपने काम को पहले ही मैंने बताया कि डिवाइड करना होगा। ग्रांटिंग अथॉरिटी टू मैनेजर्स टू मेक डिसीजंस एंड टेक एक्शंस अकॉम्पनीड बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर द आउटकम्स। अब आप जैसे किसी को अगर आप अथॉरिटी दे रहे हो कि डिसीजन आप ले सकते हो, तो उस डिसीजन का जो आउटकम होगा, जो रिजल्ट निकल करके आएगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी बंदे को लेनी पड़ेगी, उसी मैनेजर को लेनी पड़ेगी, है ना। तभी तो काम अच्छा होगा। अगर मैं कुछ गलती कर रहा हूँ और मुझे डांट मिलने के बजाय अगर किसी और को मेरे जगह पर डांट मिल जा रही है, तो मैं तो खुश कि भाई मैंने गलत काम किया, बट किसी और को डांट पड़ गया, मतलब मुझे तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मैं गलत करूंगा भी तो मुझे उतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर अकाउंटेबिलिटी भी मेरी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अगर मेरी होगी, तो मुझे लगेगा कि नहीं, अगर मैं अच्छा काम नहीं करूंगा तो हो सकता है कि मुझे जॉब से निकाल दिया जाए, राइट। तो वो बात आ जाती है, तो वो होना जरूरी है। चौथा पॉइंट है स्केलर चेन, है ना। स्केलर चेन इज लाइक अ चेन ऑफ कमांड, कि एक बंदे ने जो कमांड दिया है, उसी को जो है आप एक तरीके से विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आप ठीक तरीके से उसको चला रहे हैं, उसको फॉलो करवा रहे हैं। ठीक है, स्केलर चेन एक प्रॉपर जो है चल रहा है। Establishing a scalar chain of command and communication channels within the organization, ensuring that information flows vertically through levels of management. ठीक है, vertically जो है, जो levels of management है, top level management, middle level management और lower level management, उसके बाद भी बहुत सारे होते हैं ये। हालांकि बहुत ही मैनेजमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, उसके अंदर फिर employees हैं, subordinates हैं, you know, different different लोग हैं। तो मैं मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ फिलहाल, कि जो 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 जो, जो, यस जो कमांड है, जो चेन है, वो ऊपर से नीचे की तरफ आना चाहिए, एक स्केलर चेन की तरह होना चाहिए, ताकि जो कमांड है, जो कम्युनिकेशन है, वो ऊपर से नीचे की तरफ आए वर्टिकली, और लोगों को सारी बात जो है पता चल पाए कि भाई इस तरीके से जो है काम होगा। ठीक है, तो वो एक चेन क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिक। जब बिजनेस काम कर रहा होता है, तो एक उनका एक ऑटोमेटिक एक इन्वायरमेंट, एक कल्चर बन जाता है, कि ऊपर से जो इन्फॉर्मेशन आएंगी वो सभी लोगों तक पहुंचेंगी, एक सिस्टम उस तरीके का क्रिएट हो जाता है। तो स्केलर चेन का यूज करना जरूरी है। पांचवा पॉइंट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इज लाइक यूनिटी ऑफ कमांड, दोनों तकरीबन सेम चीजें आप कह सकते हो। डायरेक्शन में वही है कि आपको डायरेक्ट हाँ किया जा रहा है कि आपको ऐसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिटी होनी चाहिए। अगर दूसरा बंदा कुछ और तरीके से कुछ और करने की कोशिश कर रहा है, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम होगी। डायरेक्शन को यूज करना बहुत जरूरी है। अलाइनिंग इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स टू क्रिएट अ कोहेसिव एंड यूनिफाइड एफर्ट टूवर्ड अचीविंग कॉमन ऑब्जेक्टिव। जो आपके कॉमन ऑब्जेक्टिव्स है, उसको आप अचीव करने के लिए, जो इंडिविजुअल्स की जो डिमांड, जो उसकी जो नीड्स है, जो डिमांड्स है, उसका जो इंटरेस्ट है, उसको आपके ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के साथ अटैच करना होगा, अलाइन करना होगा, ताकि वो जब अपने लिए काम करे, तो वो साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी काम करे। उसका अपना फायदा, ऑर्गेनाइजेशन का भी फायदा हो, उसका ऑर्गेनाइजेशन का फायदा, उसका अपना फायदा भी हो। तो ये जब अलाइनमेंट एक तरीके से हो जाता है, तो जो भी आप काम करने के लिए बोलोगे उस बंदे को, वो उसी तरीके से करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अल्टीमेट बेनिफिट उसी का है।
है ना। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होना जरूरी है। बिजनेस जिस जिस दिशा में जा रही है, इंडिविजुअल का भी उसी दिशा में जाना जरूरी होता है। छठा पॉइंट है डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन तो काफी इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली बिजनेस बल्कि लाइफ में भी डिसिप्लिन हर एक जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन, अगर आप डिसिप्लिन से किसी काम को बहुत ही शिद्दत से करेंगे तो डेफिनेटली वो काम बहुत ही आसानी से आपके लिए हो जाएगा। टाइम हो सकता है लगे, लेकिन हो जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, लेकिन डिसिप्लिन होना जरूरी है। सो एस्टैब्लिशिंग अ फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट गवर्न एम्प्लॉय बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस, प्रमोटिंग अ कल्चर ऑफ सेल्फ कंट्रोल एंड एडहेरेंस टू ऑर्गेनाइजेशनल नॉर्म्स, ठीक है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो यहाँ पे इज लाइक दे आर क्रिएटिंग, दे आर एस्टैब्लिशिंग अ फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन वो लोग स्टैब्लिश कर दे रहे हैं इम्प्लॉयज के लिए कि इम्प्लॉयज का बिहेवियर किस तरीके का होगा, इम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस कैसा होना चाहिए, अगर परफॉर्मेंस खराब होगा तो उनका प्रमोशन उनका डिमोशन किस तरीके से होने वाला है। कल्चर ऑफ सेल्फ कंट्रोल, ठीक है ना, आपको खुद को कंट्रोल करना है। बिजनेस में कई बार ऐसा होता है कि कन्फ्लिक्शंस होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, तो वहां पे सेल्फ कंट्रोल का होना बहुत जरूरी है। अगर आप सेल्फ कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप अपने डिसिप्लिन को ब्रीच करेंगे। जो ब्रीच ऑफ कंडक्ट होता है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है, वो आपने फॉलो करना होता है, वो अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो डिसिप्लिन इज लाइक यू नो इम्पोजिंग दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस टू द एम्प्लॉइज, उनको इम्पोज करना कि आपको ये सारी चीजें आपके ऊपर लागू होती हैं। अगर आप इधर उधर कुछ करेंगे, अगर आप ठीक तरीके से डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेंगे, यू मे बी अवॉर्डेड, अवॉर्ड तो नहीं मिलेगा बट यू मे बी अवॉर्डेड विद एन फाइन और यू नो सैलरी कट और समथिंग समथिंग लाइक दैट दे कैन डू, ठीक है। सातवां नंबर पॉइंट है सबॉर्डिनेट्स ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द कॉमन गुड, ठीक है, सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द कॉमन गुड। तो एक तरीके से सबॉर्डिनेशन करना, सबको जोड़ देना एक तरीके से, ताकि जो कॉमन जो गोल है, जो कॉमन जो आपका इंटरेस्ट है, उसको आप अचीव कर सको, ठीक है। फॉस्टरिंग अ फोकस ऑन द ऑर्गेनाइजेशंस कलेक्टिव गोल्स, ऐसे गोल्स जो कि कलेक्टिवली ही हासिल किए जा सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स कभी भी सिंगल हैंडेडली या इंडिविजुअली कोई हासिल नहीं कर सकता, वहां पे हमेशा ग्रुप्स काम करती हैं, तो ग्रुप्स का साथ में होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप कॉमन एक तरीके से गोल सबको दे देंगे, कॉमन इंटरेस्ट क्रिएट कर देंगे, तो सब यू नो साथ में मिल करके काम करेंगे। दैट इज दे आर ट्राइंग टू से ऑर्गेनाइजेशंस कलेक्टिव गोल्स ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। जो आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, यू नो एनकरेजिंग टीम वर्क एंड कोऑपरेशन, ये करना बहुत जरूरी है। आप इन सबको पीछे छोड़ करके, आपके इंडिविजुअल इंटरेस्ट को पीछे छोड़ करके, आप एक कॉमन गोल को पाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आठवां नंबर पॉइंट है रेमुनरेशन। सो रेमुनरेशन इज लाइक मोटिवेशन। मैंने आपको पहले भी बताया बताया था कि सबसे बड़ा मोटिवेशन जो है किसी भी एम्प्लॉय के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए होता है उसका रेमुनरेशन, उसका सैलरी। तो अगर आप किसी को सही सैलरी प्रोवाइड करेंगे, सही रेमुनरेशन प्रोवाइड करेंगे, तो वो बंदा का परफॉर्मेंस ऑटोमेटिक अच्छा ही होगा, क्योंकि वो खुश रहेगा। खुश मिजाजी में अगर कोई काम किया जाता है तो वो बहुत ही आसानी से हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है, वही बात है। सो प्रोवाइडिंग फेयर एंड इक्विटेबल कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉयज टू मोटिवेट एंड इंसेंटिवाइज देयर परफॉर्मेंस, ठीक है ना। तो ये होना बहुत जरूरी है, रेमुनरेशन होना बहुत जरूरी है। अगर कोई बंदा अच्छा काम कर रहा है तो उसको आप उसके लिए आप तालियां बजवाओ, लेकिन साथ ही साथ अगर आप उसको कुछ मॉनेटरी बेनिफिट दे देंगे, कुछ एक ऐसी बेनिफिट दे देंगे जो कि उसको मॉनेटरी लेवल पे काफी हेल्प करेगी, तो डेफिनेटली वो ज्यादा मोटिवेटेड रहे, ठीक है। इंसेंटिवाइज करने की बात की जा रही है कि अगर आप ज्यादा काम करेंगे तो आपको इंसेंटिव ज्यादा मिलेंगे, ठीक है, रेमुनरेशन। बिल्कुल नाइन्थ नंबर पॉइंट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है कि भाई सेंट्रलाइज होना चाहिए या डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। सेंट्रलाइज होने का मतलब है कि जो भी चेन ऑफ कमांड होगा वो क्या होगा, ऊपर से स्टार्ट होगा, एक जगह से स्टार्ट होगा, फिर जाकर के जो है सारे लोगों तक पहुंचेगा, है ना, ये सेंट्रल हो गया। जैसे कि सपोज एक कंपनी है, कंपनी का जो मेन बंदा है, जो सीईओ है या जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, वही सारा डिसीजन ले रहा है कि सेलिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा, आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा, सारे का सारा जो डिसीजन है वो एक बंदा ले रहा है। तो जो सारी चीजें हैं वो सेंट्रलाइज हो गई, एक केंद्र बिंदु पे आकर के रुक गई, है ना। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है ठीक इसका उल्टा, आपने डिपार्टमेंट्स में अपने बिजनेस को बांट दिया है और हर डिपार्टमेंट का डिसीजन उस डिपार्टमेंट का जो मैनेजर होगा वो लेगा। तो कई बार ऐसा कहा जाता है कि सेंट्रलाइजेशन जरूरी है, अच्छा है, कई बार कहा जाता है डिसेंट्रलाइजेशन अच्छा है। तो आपको ना एक यू नो एक सही सा बैलेंस बना करके रखना जरूरी है। जहां पे किसी चीज को बहुत फोर्सफुली लागू करने की बात होती है वहां पे सेंट्रलाइजेशन बहुत जरूरी है, और अगर डिसेंट्रलाइजेशन की बात की जाए तो डिसेंट्रलाइजेशन इसलिए जरूरी होता है ताकि कोई भी बंदा दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना हो,
अगर सब कुछ सेंट्रलाइज हो जाएगा तो आप डिपेंडेंट हो जाओगे एक बंदे के ऊपर कि सर अब क्या करना है, सर अब क्या करना है। लेकिन अगर मैनेजमेंट वाइज, डिपार्टमेंट वाइज अगर बंटा हुआ रहेगा तो आप एक ही बंदे को जवाब दोगे जो आपका मैनेजर होगा। आपको डायरेक्ट हर चीज के लिए सेंटर लेवल पे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वही बात है। नाउ द डिटरमाइनिंग द एप्रोप्रिएट बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइज एंड डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एट द टॉप लेवल्स और डेलीगेटिंग डिसीजन मेकिंग टू लोअर लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन फैक्टर्स सच एज ऑर्गेनाइजेशनल साइज, कॉम्प्लेक्सिटी एंड एक्सपर्टीज। सो ये डिपेंड करता है और ऑर्गेनाइजेशन के साइज के अकॉर्डिंग। अगर ऑर्गेनाइजेशन का साइज छोटा है तो वहां पे अगर सेंट्रलाइज होगा चीजें तो दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सपोज मैं अभी कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करूं तो उसके डेफिनेटली सारे डिसीजन वगैरह मैं ही लूंगा, तो मेरा बिजनेस अभी क्या हो जाएगा, सेंट्रलाइज हो जाएगा सारे डिसीजन क्योंकि मैं ही ले रहा हूँ। पर अगर हम लोग अंबानी की बात करें या अडानी की बात करें, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े यू नो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो सेकंड या फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिन्होंने करोड़ों का बिजनेस ऑलरेडी कर लिया है, आपको लगता है कि वहां पे बिजनेस में कोई एक बंदा डिसीजन ले रहा होगा? ऑब्वियसली नहीं ले रहा है। वहां पे डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, वहां पे हेड्स बने हुए हैं जो कि अपने अपने डिपार्टमेंट को संभालते हैं, राइट। तो वहां पे, यहाँ पे भी वही बात बोली जा रही है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का साइज है, जो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, जो उसका एक्सपर्टीज है, उसके अकॉर्डिंग कोई भी बिजनेस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज हो सकता है, ठीक है। 10वां नंबर पॉइंट है इक्विटी, ठीक है। इक्विटी इज नॉट लाइक इक्विटी शेयर, इक्विटी इज लाइक यू नो इक्वल, इक्विटी इज लाइक इक्वल। आपको सबको इक्वली ट्रीट करना है ना। वही बात देखो लिखा गया, ट्रीटिंग ऑल इम्प्लॉइज फेयरली एंड इम्पार्शियली। आपको फेयरली सबके साथ फेयर रहना है, किसी के साथ भी बायस नहीं होना, और इम्पार्शियली बिना किसी को फेवर किए आपको जो है डिसीजन अपना लेना है। सो ट्रीटिंग ऑल इम्प्लॉइज फेयरली एंड इम्पार्शियली, रिकॉग्नाइजिंग देयर कॉन्ट्रीब्यूशन एंड प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना। आप क्या कर रहे हो, अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने जो इम्प्लॉइज हैं, आप उसको यू नो ठीक तरीके से उनको रिकॉग्नाइज कर रहे हो। अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो आप उनको रिकॉग्नाइज कर रहे हो कि बंदे थे तूने अच्छा काम किया, आपने इस महीने अच्छा काम किया, ये मिलता है आपको एम्प्लॉयर ऑफ द मंथ, है ना, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड, है ना। तो इस तरीके से रिकॉग्नाइज करना किसी के भी काम को, वो बहुत जरूरी होता है, और उनको प्रॉपर यू नो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। सपोज मैं एक ऐसे काम में हूँ जहां पे अपॉर्चुनिटी ही नहीं है कि मैं मेरा 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 प्रमोशन हो सके, तो फिर मुझे काम करने का मन करेगा ही नहीं, राइट। पर मुझे अगर पता रहेगा कि चलो मैंने अगर ऐसे काम किया, इतना अच्छा काम किया, तो हो सकता है कि मुझे प्रमोशन मिल जाए और मेरी सैलरी बढ़ जाए। तो बहुत जरूरी है कि आप रिकॉग्नाइज करें अपने एम्प्लॉयज को, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को, और साथ ही साथ आप उनको अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करें ताकि वो अपना ग्रोथ या फिर डेवलपमेंट वो लोग कर सके, राइट। 11th नंबर जो हमारा पॉइंट है वो ये है, स्टेबिलिटी एंड चेंज। स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए, एट द सेम टाइम चेंज भी होना चाहिए। आपका बिजनेस स्टेबल भी होना चाहिए एंड एट द सेम टाइम फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए कि अगर कुछ ऐसा जरूरत पड़ जाए कि आपको कोई अपने पॉलिसी में या स्ट्रेटेजी में थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं तो आप उसको भी कर पाए। अगर आप रिजिड होकर के अपने बिजनेस को चलाएंगे तो बिजनेस चल नहीं पाएगा। तो स्टेबिलिटी बना करके रखनी है वाइल मेंटेनिंग, वाइल यू नो मेकिंग योरसेल्फ केपेबल टू यू नो चेंज, टू चेंज योर पॉलिसी और स्ट्रेटेजीज अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स, डिमांड ऑफ द मार्केट। जैसा भी मार्केट का डिमांड होगा, जो भी नीड्स होंगी, उसके अकॉर्डिंग आप खुद को चेंज कर सकें, इवॉल्व कर सकें। इवॉल्व यहाँ पे वर्ड का यूज किया है। सो स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन मेंटेनिंग स्टेबिलिटी एंड एम्ब्रेसिंग नेसेसरी चेंजेस, नेसेसरी चेंजेस को एम्ब्रेस करना, उसको एक्सेप्ट करना, एंड इनोवेशन टू अडेप्ट टू इवॉल्विंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट। इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरमेंट में जो भी चीजें हो रही हैं, इनोवेशन हो रही हैं, चेंजेस हो रही हैं, उनको यू नो एक तरीके से अडेप्ट करना या इम्ब्रेस करना बहुत जरूरी होता है वाइल मेंटेनिंग स्टेबिलिटी इन द बिजनेस, ठीक है। सो ये 11 पॉइंट्स थे। आगे में चलते हैं, कुछ और चीजें हम लोग करने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करेंगे, करेंगे हम लोग, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन डिफर फ्रॉम क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन। एक क्वेश्चन था ना कि मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट होता है, किस तरीके से, आप किस बेसिस पे कहेंगे कि डिफरेंस होगा? तो यहाँ सबसे पहला पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी एंड एजिलिटी। तो जी हाँ, जो पुराने ऑर्गेनाइजेशन थे वहां पे थोड़ा जो बॉस होते थे उनका थोड़ा जलवा ज्यादा था, उनका थोड़ा दबदबा ज्यादा था, तो वो लोग जो कहते थे वही छोटे जो इम्प्लॉयज थे, जो नीचे वाले इम्प्लॉयज थे, उनको मानना पड़ता था। तो वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी की कमी बहुत ज्यादा थी, फ्लेक्सिबल नहीं था, चीजें जो है फ्लेक्सिबल नहीं होती थी। लेकिन मॉडर्न जो ऑर्गेनाइजेशन हैं यहाँ पे चीजें फ्लेक्सिबल हैं। यहाँ पे आप अपने मैनेजर को रिपोर्ट कर सकते हैं, वो उन रिपोर्ट्स को चेक करके डिसीजंस में किसी भी तरह की फ्लेक्सिबिलिटी अगर लाना चाहे तो वो ला सकता है। अभी के टाइम पे
इन्फॉर्मेशन का जो आदान प्रदान है, जो कम्युनिकेशन है, वो बहुत ही आसान हो गया। आप एक मेल सेंड कर देंगे, सारा इन्फॉर्मेशन तुरंत सेकेंड्स में पहुंच जाएगा। पहले के टाइम में चिट्ठी लिखो, नोटिस डालो वगैरह वगैरह, बहुत काम होता था, है ना। अभी के टाइम में बहुत आसान हो गया है, राइट। सो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑफन मोर फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल टू चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट में मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो ज्यादा फ्लेक्सिबल देखी गई है। दे रिकॉग्नाइज द नीड फॉर एजिलिटी इन डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस टू रिस्पॉन्ड टू रैपिडली इवॉल्विंग मार्केट, टेक्नोलॉजिकल एंड कस्टमर डिमांड, ठीक है ना। तो हम लोग को वो रिकॉग्नाइज करना कि भाई हमें भी जल्दबाजी है, आपको तुरंत डिसीजन लेना होता है ना। फ्लेक्सिबिलिटी एंड एजिलिटी, आपको तुरंत डिसीजन लेना है, तुरंत आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, स्ट्रक्चर कैसा होगा आपका जो प्रोसेस, एंड प्रोसेस टू रिस्पॉन्ड टू रैपिडली इवॉल्विंग मार्केट। मार्केट में जो भी चेंजेस आ रही है, जो भी इवॉल्व कर रहा है मार्केट, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या चेंजेस लाने हैं, क्या डिसीजन आपको लेना है, ये तुरंत आपको करना होता है ना। टेक्नोलॉजीज एंड कस्टमर डिमांड, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रख करके डिसीजन वगैरह लेनी पड़ती हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी होगा तभी तो आप चीजों को एक्सेप्ट करेंगे, और जब आप चीजों को एक्सेप्ट करेंगे तो विद एजिलिटी आप चीजों को क्विक करने की कोशिश करेंगे, है ना। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पहले ये एक्सेप्ट करना जरूरी है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है। पहले के जमाने में क्या होता था कि लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते थे कि प्रॉब्लम है ना। तो ये एक प्रॉब्लम जो हमें देखने को मिलती थी, वो फ्लेक्सिबिलिटी पहले नहीं थी बट अभी है। दूसरा पॉइंट है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। ये हम लोगों ने ऑलरेडी किया कि एम्प्लॉय को जो है एम्पावर कर, आप कैसे एम्पावर करोगे। अब एक ही तरीका है उसको एम्पावर करने का, मोटिवेट करने का। और मोटिवेट करने का सिंपल सा तरीका है कि उसकी सैलरी बढ़ा दो। अगर बंदा अच्छा काम कर रहा है तो उसको एक तरीके से रिकॉग्नाइज बढ़ाते करो। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इम्फेसिस एम्प्लॉई एम्पावरमेंट एंड पार्टिसिपेशन, इनकरेजिंग एम्प्लॉइज टू कंट्रीब्यूट आइडियाज। देखो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आइडियाज, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले के टाइम पे जो छोटे एम्प्लॉइज थे, जो लोअर लेवल के एम्प्लॉइज थे, उनकी बात ही नहीं सुनी जाती थी। अभी के टाइम पे अगर मीटिंग हो रहा है तो जो छोटा एम्प्लॉय होता है, जो लोअर लेवल का एम्प्लॉय होता है, उसका भी एक से होता है। वो जो कहता है उसको भी लोग सुनते हैं। पहले के टाइम में ऐसा नहीं था, पहले वो लोग कंट्रीब्यूट ही नहीं करते थे किसी भी तरह के आइडियाज। अभी के टाइम पे जो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होता है, या फिर जो ऐसे भी जो मीटिंग वगैरह होते हैं, वहां पे पूछा जाता है कि भाई आपका क्या कहना है, आपका क्या विचार है इस चीज में, तो ये बहुत जरूरी है। तो एम्प्लॉयज को एक तरीके से एनकरेज करना कि भाई आप अपने आइडियाज को कॉन्ट्रीब्यूट करें, आप अपने डिसीजन को खुद लीजिए, है ना। टेक ओनरशिप ऑफ देयर वर्क, अपने काम को मतलब एक तरीके से अपनाइए, अपना समझिए, है ना, कि आप कंपनी के लिए नहीं काम कर रहे हैं, आप अपने लिए काम कर रहे हैं। ये चीजें पहले नहीं थी, ये चीजें अभी हैं। दिस डिविएट्स फ्रॉम द मोर ऑथोरिटेरियन एंड डायरेक्टिव अप्रोच ऑफ क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे तो क्लियरली बोल दिया कि जो क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थे वो ऑथोरिटेरियन थे, वो लोग अथॉरिटी जमाते थे। जो ऊपर की अथॉरिटी होती थी वो अपने अथॉरिटी का इस्तेमाल करती थी कि भाई तुमको यही करना है जो हम बोल रहे हैं, तुम इधर उधर का कुछ नहीं कर सकते, है ना। लेकिन अभी के टाइम में ऐसा नहीं है। जो अप्रोच है वो डायरेक्टिव नहीं है, अथॉरिटेरियन नहीं है, बल्कि थोड़ा सा डेमोक्रेटिक अप्रोच है। सबसे पूछा जाता है और सबसे पूछने के बाद सबसे राय लिया जाता है, और उसके बाद जो है डिसीजन वगैरह लिया जाता है। लेकिन कई बार ये टू मच डेमोक्रेसी भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। तो एम्प्लॉय एम्पावरमेंट में ये भी आपको ध्यान देना है कि एक सेंट्रलाइज्ड पावर भी हो, जो कि एक तरीके से जब जरूरत पड़े तो अथॉरिटेरियन रूल भी लाया जा सके। क्योंकि अगर आप एकदम से छूट दे देंगे तो भी प्रॉब्लम है ना। वो कहते हैं ना कि हर चीज का अपना फायदा है अपना नुकसान है, वही बात है यहाँ पे कि आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो फ्लैट, देखो एकदम फ्लैट होना सही नहीं होता है, थोड़ा सा हायरार्की होना चाहिए, और कई बार हायरार्की होना भी सही नहीं होता है। जैसा कि मैंने बताया, हर चीज का अपना फायदा एक नुकसान है ना। सो मेनी मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस अडैप्ट फ्लैटर हायरार्कियल स्ट्रक्चर। जो हायरार्कियल स्ट्रक्चर है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट, फिर उसके नीचे मिडिल लेवल मैनेजमेंट, फिर उसके लिए नीचे लोअर लेवल मैनेजमेंट, की ना फ्लैट है, कि नॉर्मली इसी को कर दिया गया है ना, जिसमें बहुत ज्यादा लेयर्स नहीं है, बहुत ज्यादा डिपार्टमेंट्स नहीं है, बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे नहीं है, एक तरीके से तीन ही हिस्से में मान लो बांट दिया। लेकिन पहले के टाइम में क्या था कि जो लेयर्स थे वो थोड़े से ज्यादा थे, मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट में ही सपोज दो तीन और मतलब बाहर के लोगों को भी उसमें शामिल कर दिया गया, वो भी वहां पर डिसीजन वगैरह ले रहे हैं। इस तरह से चीजें जो है पहले होती थी, जो मतलब जो एक तरह से फ्लैट होना चाहिए वो नहीं था। लेकिन कई बार फ्लैट होने से प्रॉब्लम भी होता है। अगर कोई चीज फ्लैट हो तो जो चेन ऑफ कमांड है वो तो बहुत आसानी से चलेगा, लेकिन कई बार ये होता है ना कि जो ऊपर से डिसीजन लिया गया है वो सही है या गलत, उसकी अकाउंटेबिलिटी ठीक तरीके से क्रिएट नहीं हो पाती।
मान लो कोई डिसीजन अगर गलत निकल गया तो उसका जो भुगतान है वो करना पड़ेगा, बट अगर जो 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 यू नो स्ट्रक्चर है वो अगर फ्लैट ना हो, क्वेश्चनेबल हो, हर जगह पे अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भाई ये जो डिसीजन ले रहे हो किस बेसिस पे ले रहे हो, क्या इसमें चांसेस हैं इसके यू नो आपके डिसीजन के सही होने के, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक तरीके से क्रॉस चेक किया जा रहा है आपको, ठीक है। लेकिन अभी के बिल्कुल टाइम पे जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन क्या है वो फ्लैटर हो रही है, मतलब एक तरीके से जो स्ट्रक्चर है हायरार्किकल उसी को वो लोग फॉलो कर रही है, ज्यादा यहाँ पे लेयर्स वगैरह नहीं है, टॉप लेवल मिडिल लेवल लोअर लेवल उसी में खत्म, ठीक है, विद फ्यूअर लेयर्स लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ग्रेटर ऑटोनॉमी गिवन टू एम्प्लॉयज, ठीक है ना, ऑटोनॉमी दे जा रही है आपको, अपना डिसीजन खुद से लेने का जो है आपको एक पावर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। दिस फैसिलिटेट, इसके फायदे देखो, दिस फैसिलिटेट्स क्विकर डिसीजन मेकिंग, डेफिनेटली अगर आपका आप पास अधिकार होगा डिसीजन लेने का तो आप तुरंत ले लोगे डिसीजन। अब फ्लैटर अगर नहीं होगा, नॉर्मल अगर नहीं होगा, हालांकि ये अभी नॉर्मल है, पहले के टाइम पे ये नॉर्मल नहीं था, तो आपको क्या करना होगा कि आपको पूछना पड़ेगा, अपने डिसीजन लेने के लिए आपको किसी और से बात करना होगा कि भाई ये डिसीजन क्या सही होगा, है ना, परमिशन लेना पड़ेगा, तो वो एक प्रॉब्लम जो है देखने को मिलती है। सो दिस फैसिलिटेट्स क्विकर डिसीजन मेकिंग, फॉस्टर कोलैबोरेशन एंड एनहांसेस कम्युनिकेशन अक्रॉस डिफरेंट लेवल्स, इसके कारण से ये वगैरह वगैरह जो फायदे अभी मैंने बताए हैं वो सारे होते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है इम्फेसिस ऑन टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन। पहले के टाइम पे डेफिनेटली टीम वर्क के ऊपर, कोलैबोरेशन के ऊपर ध्यान दिया जाता था, बट बहुत ही ओरली, फिजिकली वो चीज बहुत ज्यादा हो नहीं पाती थी, लेकिन अभी के टाइम पे कम्युनिकेशन चूंकि इतना अच्छा बन गया है जिसके कारण से टीम वर्क जो है वो भी बहुत अच्छे तरीके से काम हो पा रहा है। टीम वर्क काम तभी करेगा जब आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, हालांकि कम्युनिकेशन का पॉइंट आई गेस यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट आप खुद भी सोच सकते हैं कि अगर कम्युनिकेशन ना हो तो टीम वर्क हो ही नहीं सकता। एक टीम में 5 लोग हैं, 5 लोगों तक 5 तरह की जानकारी अगर होगी तो प्रॉब्लम है, सेम जानकारी 5 लोगों तक अगर सही टाइम पे पहुंच पाए तो वो लोग टीम वर्क में ठीक तरीके से काम कर पाएंगे, कोलैबोरेट कर पाएंगे, वही बात है। सो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में जो है टीम वर्क और कोलैबोरेशन के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है ना। किशन आप कुछ कह रहे हैं? नहीं सर, नहीं सर, ओके नाउ, तो सो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस प्रायोरिटाइज यू नो टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन, ब्रेकिंग डाउन साइलोज एंड एनकरेजिंग क्रॉस फंक्शनल ऑपरेशंस, है ना, जो क्रॉस फंक्शनल ऑपरेशंस होते हैं उनको करने की कोशिश की जाती है कि मतलब क्या बोले, जो काम चल रहा है ऑलरेडी दो बिल्कुल डिपार्टमेंट्स के बीच में उनमें एक तरीके से तालमेल बिठाना, है ना, और टीम वर्क के साथ काम करना। जैसे एक सपोज सेल्स टीम है, एक डिस्ट्रीब्यूशन टीम है, तो सेल्स टीम सेल करेगी तब तो डिस्ट्रीब्यूशन टीम उस सामान को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगी, तो दोनों में तालमेल बिठाना, क्रॉस क्रॉस क्या कहा था, क्रॉस सेक्शनल या फिर क्रॉस फंक्शनल कोऑपरेशन जो है वो तैयार किया जाता है इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस। पहले वैसा नहीं था, पहले एक बंदा काम खत्म करता था तो दूसरा डिपार्टमेंट जो है अपना काम शुरू करता था, लेकिन अभी चूंकि टीम वर्क में काम हो रहा है, कोलैबोरेशन के साथ काम हो रहा है, तो बहुत ही इजीली टाइम पे जो है वो हो जाता है, ठीक है। दे रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना, वही बात है, थोड़ा दिस डिफरेंट स्टाइल में बोला गया है। पांचवा पॉइंट है एम्ब्रेसिंग टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को अपनाना। कोई भी बिजनेस बड़ा तभी हो सकता है जब उसके पास टेक्नोलॉजी अच्छी हो, तो टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करना, उसको अपनाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी बिजनेस के लिए। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस लेवरेज टेक्नोलॉजी इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट सच एज कम्युनिकेशन, डेटा एनालिसिस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये वो सारे फील्ड्स हैं जहाँ पे यू नो टेक्नोलॉजी का यूज काफी ज्यादा देखने को हमें मिल रहा है, और होना भी चाहिए। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो आपका काम काफी स्लो होगा, टेक्नोलॉजी होने से जो काम एक दिन में हो जा रहा है उसी काम को करने में आपको 10 दिन लगते थे पहले, लेकिन अभी काफी आसान हो गया है। टेक्नोलॉजी एनेबल्स ग्रेटर एफिशिएंसी, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, कनेक्टिविटी बढ़ जाती है, और इंफॉर्मेशन एक्सेस ये काफी बढ़ जाता है, एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ये भी काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है। एम्फेसिस ऑन वर्क लाइफ बैलेंस, आपको ये भी सिखाया जाता है मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में कि आपको अपने वर्क लाइफ और यू नो जो आपका पर्सनल लाइफ है उसको आप किस तरीके से बैलेंस करेंगे, है ना, उसको बैलेंस करना, उसको मैनेज करना बहुत जरूरी होता है। सो मेनी मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस, अपने वर्क को अपने लाइफ को बैलेंस करना, इसको समझती है मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंप्लीमेंट पॉलिसीज दैट सपोर्ट एम्प्लॉय वेलबींग, और ऐसी पॉलिसीज वो लोग बनाते हैं और सपोर्ट करते हैं जिससे जो एम्प्लॉय है उसका वेलबींग, उसका तबीयत वगैरह, फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट्स, अगर आप अपने काम को घर से करना चाहते हैं तो वर्क फ्रॉम होम का सिस्टम अभी आ गया है वो आप कर सकते हैं, तबीयत ठीक नहीं है घर इसको ऑफिस मत आओ, घर में बैठ के काम कर लो, है ना, इस तरीके से जो है चीजें की जा रही हैं ताकि जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो ठीक तरीके से हो सके।
अगर आप घर पे बैठ के काम कर रहे हो, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, तो आपने घर के भी काम कर लिए और अपना ऑफिस का भी काम कर लिया, ये एक बेनिफिट होता है, राइट। तो अभी के टाइम पे वर्क फ्रॉम होम काफी चर्चा में है, यूज भी हो रहा है, इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है एम्प्लॉयज के लिए, वो लोग ठीक तरीके से अपने लाइफ को और अपने वर्क को बैलेंस कर पा रहे हैं। इसलिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी बोल दिया गया है कि चलो 6 दिनों में या 5 दिनों में जो है आप 3 दिन ऑफिस आ जाओ, 2 दिन वर्क फ्रॉम होम कर लो, ऑफिस का भी खर्चा बचेगा, है ना, इलेक्ट्रिसिटी खर्चा है आपका, रिफ्रेशमेंट का खर्चा है, काफी सारा खर्चा होता है, वो सारा बच जाता है सब एक कंपनीज का भी। लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये भी नजर रखना है, ये भी ध्यान देना है कि जो जो टास्क आप दे रहे हो अपने एम्प्लॉयज को, वो टास्क वो लोग पूरा कर लें, है ना, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम के चक्कर में अगर सब मस्ती करने लगे तो हो गया, तो वो एक प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। हाँ, बराबर तो इम्फेसिस ऑन वर्क लाइफ बैलेंस। नाउ इसका एंड करते है। हैं इसको अब। सो दीज डिफरेंसेस रिफ्लेक्ट द चेंजिंग नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ एम्प्लॉइज, कस्टमर्स एंड द बिजनेस लैंडस्केप, ड्राइविंग मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस टू अडॉप्ट मोर फ्लेक्सिबल कोलैबोरेटिव एंड एम्प्लॉई सेंट्रिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, ठीक है ना। तो उसी बात को थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में बताया गया है कि जो सारी चीजें हम लोगों ने की हैं इसके बेसिस पे हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए आपको जो है थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फ्लेक्सिबल होना जरूरी है, नॉट फॉर एम्प्लॉयज, फॉर देयर बिजनेस एज वेल। थोड़ा कोलैबोरेटिव होना पड़ेगा, आपको कोलैबोरेटिव कल्चर लाना पड़ेगा, क्रॉस फंक्शनल जो चीजें हैं वो करानी होंगी, लोगों को एक तरीके से मोटिवेट करना होगा, एम्प्लॉई सेंट्रिक मैनेजमेंट आपको लाना होगा, जो जो आपकी प्रैक्टिसेस होंगी वो एम्प्लॉई सेंट्रिक होंगी, एम्प्लॉईज को ध्यान में रख करके आपको करना होगा, ऐसा नहीं कि आप बस काम दिए जा रहे हो और काम का उसको रिकॉग्निशन मिल ही नहीं रहा। ऐसा ही देखने को मिलता है ना कॉर्पोरेट्स में कि आप काम देते जाते हो लेकिन काम के बदले जब आप उस काम को कर देते हो तो आपको उसका जो इंसेंटिव है, जो उसका इंसेंटिव तो दूर की बात है, अगर आपको रिकॉग्नाइज भी कर दिया जाए ना कि चलो बंदे को मैंने एक्स्ट्रा काम दिया था, उसने बहुत अच्छे तरीके से काम को कर दिया, तो वो भी एम्प्लॉय को काफी बूस्ट देता है, राइट। भले ही उसको इंसेंटिव आप ना प्रोवाइड करो, दैट टू इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अभी के टाइम पे वो थोड़ी सी एम्प्लॉय सेंट्रिक हो रही है, राइट। सो ये हम लोगों ने प्रिंसिपल्स किए हैं स्टार्टिंग में, और उसके बाद हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स किए जिसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि किस तरीके से जो मॉडर्न जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरीके से डिफरेंट है, उनका अप्रोच किस तरीके से डिफरेंट है क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन के मुकाबले जो कि पहले वर्क करती थी, ठीक है। सो दैट्स इट, आई होप कि समझ में आ गया होगा। इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा, इसको एक बार आप रीड कर लेना। कल का क्लास सुबह में तो नहीं हो पाएगा आई गेस, शाम में ही करते हैं। शाम में फिर अगर वेदर खराब ना रहा, काफी बारिश आज भी हुई है, अगर वेदर खराब ना रहा तो 8 बजे से, ठीक है, सैटरडे। और इन केस अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ देन वी विल डिस्कस, 8 बजे का टाइम फाइनल करते हैं, ठीक है। ओके सर, ठीक है सर, बाय बाय, गुड नाइट, ओके सर, बाय। गुड नाइट।